subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. आज से 200 साल पहले राजा प्रताप सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसके जिम्मेदार था एक शैतान सामरी। उसी दौर राजा प्रताप सिंह अपनी बेटी रागिनी के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो रहे थे। रास्ते में शाही बग्घी टूट गई और बेटी रागिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी महाराज। ओ रागिनी, बेटी रागिनी, ओ इतनी रात का समय है और ये उस शैतान सामरी का इलाका है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई है। जाओ ढूंढो रागिनी को, जाओ। जी महाराज। शैतान को इसी तरफ गया है।
सामरी एक ऐसा दहशतनाक और खौफनाक शख्स है जिसकी खौफनाक हरकतों गुनाहों से नजात पाने के लिए इसे सजा देना नहायत जरूरी है। सामरी पर जो खास इल्जामात हैं वो ये हैं, सामरी ने अपनी शैतानी हुकूमत को फैलाने की बुरी नीयत से निर्दोष और मासूम लोगों में अपनी खौफनाक हरकतों से दहशत फैलाई। सामरी ने अपने खौफ और दहशत को इस इलाके के लोगों पर इस तरह हावी कर दिया कि लोग इस इलाके में रहने से तौबा करने लगे और इस तरह सामरी ने अराजकता फैलाने का गुनाह किया। सामरी ने कई वर्षों से बेगुनाह और काबिल लोगों की बेरहमी से जान ली और अपनी शैतानी प्यास बुझाने के लिए उनका खून पिया। सामरी ने राज्य में अपनी दहशत खौफ और दिल दहला देने वाली मनहूस हरकत इस हद तक जारी रखी कि लोग इसका नाम तक सुनने से घबराने लगे। इसने औरतों को बेआबरू किया और बच्चों की बलि चढ़ाई। सामरी ने शैतानी ढंग से लोगों की हत्या करके उनकी कब्रों से उनकी लाशों को निकाल कर खाया और जनता में इतना खौफ पैदा किया कि जनता डर गई और इसी तरह सब सामरी से पनाह मांगने लगे। इसे कैद खाने में डालकर कोड़ों से पीट पीट कर मार डालना चाहिए। इसे भूखा प्यासा रखकर तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहिए। शांत हो जाओ आप लोग। हम सामरी का सर काट के इसके धड़ से अलग करके इसका धड़ शिव मंदिर के पास दफन करवा देंगे और इसका सर बक्से में बंद करके जंजीरों में बांध कर महल के तहखाने में डाल देंगे। प्रताप सिंह, मेरा कहर है तुझ पर और तेरे खानदान पर, और मेरा कहर जब तक तुझ पर रहेगा तेरे खानदान की हर औरत अपना पहला बच्चा पैदा करते ही मौत की आगोश में सो जाएगी। और ये याद रखना, इस दिन मेरा सर मेरे धड़ से जुड़ जाएगा, उस दिन मैं तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। महाराज, आपसे विनती है कि इस सामरी वाले बक्से पर ये शिव भगवान का त्रिशूल रख दें ताकि सामरी का सिर शैतानी हरकतों और ताकतों को फिर से अंजाम न दे सके। ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। सिपाहियों, हुक्म की तामीर हो, जो हुक्म महाराज, ले जाओ इसे।
प्रताप सिंह के देहांत के बाद उनके खानदान के लोग शहर में आकर बस गए, पर राजा प्रताप सिंह के पुत्र धन सिंह ने अपनी वही ठाट बाट और शान और शौकत बरकरार रखी। नमस्ते मालिक। नमस्ते शकुंतला। शकुंतला कैसी हो बहन? अरे भैया आप आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ ले आओ। बाबूजी नमस्ते। क्या है ये? ये फाइल है दस्तखत करने के लिए। दस्तखत? हाँ। क्या है? और बाकी खेत खलियान कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास है। किसी को कोई शिकायत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को भी तंग किया, परेशान किया तो तुम शिकायत करने के लिए नहीं बचोगे, समझे? मिलेगा बाबूजी। ठीक है ये लो, बाकी सबका ध्यान रखना, समझे? नमस्ते। आओ आओ ये लीजिए। और हमारी नन्नी मुन्नी दुलारी बेटी कहाँ है? कॉलेज तो नहीं गई? ओ पापा, आज तक आपसे मिले बिना मैं कभी कॉलेज गई हूँ जो आज जाऊंगी? अरे बेटी हमें भी तो देखो, हम भी तो इतनी दूर से अपनी नन्नी मुन्नी बिटिया को मिलने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं भाई। ओ पापा, अब मैं नन्नी मुन्नी नहीं रही, देख लीजिए कितनी लंबी हो गई हूँ। भैया बिटिया बड़ी हो गई है। बिटिया बड़ी हो गई। पापा ये आप अचानक क्या सोचने लगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि कहीं मेरे चक्कर में तुम्हारा कॉलेज तो लेट नहीं हो जाएगा। ओ या पापा राइट, बाय पापा, बाय आंटी, बाय। ओके बाय बेटा, हैव अ गुड डे। भैया मैं आपके दिल का दर्द समझ सकती हूँ, काश मैं आपका दर्द बांट लेती। शकुंतला इस दर्द को कोई नहीं बांट सकता। हर बाप की तमन्ना होती है कि उसकी औलाद जवान हो, लेकिन मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो हर वक्त यही दुआ करता है कि इस खानदान में कभी शादी ना। इस हवेली से निकली हुई बद्दुआ, वो श्राप कभी हमारे खानदान पे कहर न ढा सके। शकुंतला। ओ राज,
काश ये घड़ी, ये पल यही रुक जाते और मैं तुम्हारे साथ यूं ही प्यार के समुंदर में खोई रहूं, डूबती उतराती रहूं। मैं भी यही सोच रहा हूं, अब तो एक भी पल तुमसे दूर रहा नहीं जाता। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये जालिम जमाना। रजनी! पापा, मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश नहीं करना, समझी तुम? और तू बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत बिकाऊ नहीं होती। मोहब्बत करता है कमीने? एक तो हमारी इज्जत पे हाथ डालता है, ऊपर से जबान चलाता है। ए! इतना मारो इसे कि इसके सर से मोहब्बत का भूत हमेशा के लिए उतर जाए, समझे? तो तू चल मेरे साथ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, समझ में नहीं आता। रजनी तुम इतना प्यार करती, इस बात से ठाकुर साहब को एतराज क्यों है? एतराज था, एतराज है और एतराज रहेगा। हम अपने ठाकुर खानदान की मान मर्यादा का इस तरह खून नहीं कर सकते। लेकिन इस मासूम का खून कर सकते हैं। इसका खून हम नहीं, वो कमजर्फ करना चाहता है। वो कमीना हमसे हमारी बेटी को छीन लेना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज के बाद हम उसकी परछाई तक अपनी बेटी पर पड़ने नहीं देंगे। अरे शकुंतला, तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम इसे क्यों नहीं समझाती कि अगर इसने अपना इरादा नहीं बदला तो अंजाम कितना खतरनाक होगा? ठाकुर, तुम अपने खानदान को मेरे श्राप और कहर से नहीं बचा पाओगे। कौन हो तुम? कौन? बरसों से हमारे खानदान पर मौत के साए की तरह छा रहे हो तुम। कितनी जाने और लोगे, तुम मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकते, कभी नहीं। इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, गोली मार दूंगा मैं। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जाओ जाओ अपने कमरे में, लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद अगर तुम राज से मिली ना तो वो तुम्हें राज को गोली मार दूंगा। जाओ अपने कमरे में। मेरा यकीन करो, मैंने मोहब्बत की है, मेरा यकीन।
फिर से जुड़ा करता है, शाख से टूट के कब फूल खिला करता है, जिसको लूटा हो बहारों ने अपने हाथों से, वो बाग फिर क्या खिजाओं का गिला करता है, मेरी किस्मत ने मेरे साथ शरारत की है, जो भी तूने किया बस मुझ पे इनायत की है, यकीन कैसे करूं तूने मोहब्बत की है, इसे उल्फत कहो तौहीन ये उल्फत की है, इसे उल्फत कहो तौहीन ये उल्फत की है, मेरा यकीन करो मैंने मोहब्बत की है, इसे उल्फत कहो तौहीन ये उल्फत की है। पता नहीं क्या होगा, रजनी मेरी बेटी बचेगी या नहीं? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब ये लीजिए, मैं आपके खानदान की इज्जत को आपके हवाले करने आया हूं, अगर चाहता तो आपके खानदान के चिराग को अपने घर की रोशनी बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं, मुझे डर इस बात का था कि यही रोशनी आगे चलकर ज्वाला ना बन जाए और आपके इस महल को जलाकर खाक ना कर दे। ठहरो, ये लो तलवार, इससे इसका सर काट दो और मेरे सीने में भोंक कर मुझे मार डालो, समझे? ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? देखो, मुझे अपनी हार का अफसोस नहीं है, अफसोस है तुम्हारी जीत का, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि ये जो तुम्हारी जीत है इसका अंजाम कितना खौफनाक और भयानक होगा। अगर तुम ये जानते और ये तुम्हारे सामने आता तो तुम मेरी बेटी की जिंदगी से अपने आप निकल जाते। आप किस हकीकत की बात कर रहे हैं पापा? ये राज तुम नहीं जानती बेटी। ठाकुर साहब, ये कैसा राज है आप मुझे बताइए? ये एक ऐसा भयानक राज है जो मौत के साये की तरह पिछले सैकड़ों बरसों से हमारे खानदान के ऊपर मंडरा रहा है। ठाकुर साहब, ये कौन सा खौफनाक साया है जिसके डर की वजह से आप हमें नहीं बताना चाहते? पापा, मैं एक ठाकुर की बेटी हूँ, डरने वाली नन्ही सी कमजोर लड़की नहीं। ठाकुर साहब, वो कौन सा मौत का साया है जो दीवार बनकर हम दोनों के प्यार के बीच खड़ा है, आप हमें बताइए। ठाकुर साहब, आप हमें बताइए। पापा, अगर आप अपनी बेटी से जरा भी प्यार करते हैं तो आपको अभी इसी वक्त इस राज से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको मेरी कसम है पापा। कसम? ये क्या किया तुमने बेटी? तुमने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। आओ मेरे साथ, आओ। हवेली की ये तस्वीर देखो, यही हवेली हमारे खानदान की खुशियों पर एक ऐसा बदनुमा दाग है इसे हम खून पर खून बहाने के बाद में भी नहीं मिटा सके। इस हवेली से जुड़ी हर माँ, हर बहन, हर बेटी अपने पहले बच्चे को जन्म देते हुए भगवान को प्यारी हो जाती है। पापा, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। नहीं बेटी, ये वहम नहीं है, हकीकत है, हकीकत। ठाकुर साहब, और इसका गवाह हमारे खानदान का इतिहास है। मगर ठाकुर साहब, आप इस विज्ञान के युग में इन सब बातों पर बिलीव करते हैं? बेटे, जिसके शरीर में पीड़ा होती है ना, दर्द उसी को होता है। जब रजनी पैदा हुई थी तो ये खौफनाक घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मैं सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं करता। क्या ये सब जानने के बाद भी तुम रजनी की जिंदगी में रहना चाहोगे? अगर तुम इसके बाद भी रजनी की जिंदगी में रहना चाहोगे ना, तो मैं ये मान लूंगा कि तुम रजनी से प्यार नहीं करते,
तुम उसकी जान लेना चाहते हो, मार डालना चाहते हो उसे तुम। तो ये बात है, उन्होंने कहानी सुनाई और तुमने सुन ली, और रजनी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ चले आए। एक बात बता मुझे, तू प्यार रजनी से करता है उसके बाप से, जो इनकी मनगढ़ंत कहानी सुनकर रजनी को अकेला छोड़कर उसके बिना जीने का तूने फैसला कर लिया? आनंद, काश तू समझ पाता कि मैं रजनी से कितना प्यार करता हूँ। अगर तू मेरी जगह वहां उसके पापा की बातें सुनता ना, तब तुझे एहसास होता कि उसके पापा कितना सही बोल रहे थे। बकवास है सब, मैं नहीं मानता इन बातों को। ठाकुर साहब ने सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए तुझे कहा ये कहानी ताकि तू रजनी को छोड़ दे। आनंद, तू राज, राज, रजनी, तुम यहाँ? राज, हम अभी गाजीपुर जाएंगे, उसी हवेली में जो हमारे प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी है। नहीं रजनी, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें तुम्हारी जान जोखिम में डालकर अपने प्यार के मिलन का सुख नहीं जानना चाहता। रजनी, तुम मुझे सदा के लिए भुला दो। लेकिन राज, वो मेरे रहते हुए रजनी को कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों के साथ हूँ, और जरूरत पड़ी तो तुम लोगों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करती हूँ। मतलब तू भी हमारे साथ चलेगा? बिल्कुल नहीं आनंद, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने लिए तेरी जान जोखिम में डाल दे। तेरी गर्लफ्रेंड है यार, तू यहीं रुक किरण के पास, हम जाएंगे। अरे अरे, मगर मैं तो खुद तुम लोगों के साथ चलने को तैयार, और मेरी आउटिंग भी हो जाएगी और रजनी को अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। सुना, बिल्कुल सही कह रही है। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा रजनी, तुम्हारे पापा को मालूम है कि तुम यहाँ हमारे पास आई हो? नहीं राज, मैं पापा से तो मिली नहीं, लेकिन मैंने उनके लिए चिट्ठी छोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम लोग सफर की तैयारी करते हैं, और खाने पीने का मैं जरा इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। Oh,
माथे पे बिंदिया है, बिंदिया में तारे हैं, तारों में है प्रेम पावन। अपना तो क्या है गर साहब, लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें खुश होना चाहिए। अगर जनता प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। भैया भैया भैया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? रजनी अपने कमरे में नहीं है और उसके कमरे में ये चिट्ठी मिली है। चिट्ठी? डियर पापा, मुझे ढूंढने में परेशान मत होना। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे और राज के बीच नहीं आ सकती। राज और मेरे प्यार के बीच में हवेली रूपी दीवार को गिराने के लिए हम लोग गाजीपुर जा रहे हैं। भैया गाजीपुर? यार आनंद, कमाल का मंदिर है ना? बहुत पुराना लगता है। हाँ यार, चलो इस सुनसान इलाके में ये मंदिर तो मिला, मगर यार इसमें इतने बड़े मंदिर में पुजारी दिखाई नहीं दे रहा है। अबे पागल है क्या, इतना पुराना मंदिर, आसपास कोई आबादी नहीं, ना कोई भक्त। अरे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तो पुजारी का वहां झक मारेगा। आनंद, उस मंदिर में वो शिवजी की मूर्ति देख रहे हैं? हाँ हाँ, कुछ अधूरी सी लग रही है ना। बिल्कुल आनंद, एक चीज गौर से देखो, उस मूर्ति में एक चीज मिसिंग है। क्या? शिवजी के हाथ से शिवजी का त्रिशूल। हाँ रियली है ना? हाँ हाँ राज, त्रिशूल ही देखते रहोगे या हवेली भी चलोगे? बहुत देर हो रही, चलो चलो भाई चलो। लेट्स गो। राइट, चलो कम ऑन कम ऑन, बैठो गाड़ी में। नन्नी मुन्नी प्यारी बिटिया। बड़ी प्यारी बिटिया है। क्या? मेरी बेटी को मारोगे? नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी को नहीं मार सकते। नहीं प्लीज, मेरी बेटी को बख्श दो, बख्श दो। नहीं शकुंतला। ये पहुंच गए तुम्हारे बाप दादाओं की हवेली पर। सही बोला ना राज, ये हवेली कितनी सुनसान दिखाई दे रही है। हाँ लेकिन ऐसी पुश्तैनी हवेलियों पर अक्सर चौकीदार रहते हैं, चौकीदार को आवाज देते हैं। चौकीदार, चौकीदार, कोई है? चौकीदार राज, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है, अगर होता तो आवाज जरूर देता। बिल्कुल। रजनी? रजनी, रजनी कहाँ गई? रजनी, रजनी, रजनी? ये तो रजनी की आवाज है। रजनी, रजनी क्या हुआ? वो उधर। कौन हो तुम? ये बेचारी मेरी माँ है। और तुम? तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग मुंबई शहर से आए हैं, और यह है ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी रजनी। बड़ी खुशी की बात है, आइए मेरे साथ। Thank you.
पुरानी हवेली लगती है। और ये प्रताप सिंह महाराज की तस्वीर है, इनके दादा के दादा की। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जीवित हो। मुझसे बात करना चाहती हो, मुझसे कुछ कहने के लिए बेचैन हो। पगली गई की, तस्वीर भी कहीं बात करती है। हा? चल दीवानी मैं दीवाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, हम दोनों ने भी ये जाना है। ये दुनिया जानेगी, ये दुनिया जानेगी। मैं दीवानी तू दीवाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, हम दोनों ने भी ये जाना है। ये दुनिया जानेगी, ये दुनिया जानेगी, ये दुनिया जानेगी, जानेगी। बदले जान प्यार करने वालों की है ये पहचान। प्यार करने वालों की है ये पहचान। प्यार में वादा पड़े निभाना, घर में झूठी कसम खाना, हम दोनों ने भी ये माना है। ये दुनिया मानेगी, ये दुनिया मानेगी, जिंदा है देखो सोनी और महेवाल। प्यार की आग जितने वो जाने, जो होते हैं लोग दीवाने, हम दोनों ने भी ये जाना है। ये दुनिया जानेगी, ये दुनिया जानेगी। कौन हो तुम? मैं लकड़हारा, लकड़ी लेकर आया हूँ खाना पकाने के लिए। मुझे चौकीदार ने बोला था लकड़ी नहीं है, लकड़ी लाया हूं। कहां रखूं? क्या बात हुई मैडम? ये आदमी कौन था? ये काटिया है मैडम, ये गांव में लकड़ी बेचता है, इसे मैंने ही बुलवाया था। ठीक है, आइंदा इसे यहां मत बुलाना। जी मैडम। समझे? जी। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? इनको दिल का दौरा पड़ा है, इनको पूरा आराम देना होगा। जरा सी हरकत से भी इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, फिर तो ये सफर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ रंजी? बोलो, हाँ क्या हुआ? वो हाँ बोलो। मैंने सपने में कटा हुआ सर देखा। ओह, सपने में। रजनी, अगर मन में डर समाया हुआ हो तभी डरावने ख्वाब आते हैं। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ चलो चलो सो जाओ। कम ऑन, रिलैक्स, डोंट वरी। नहीं राज, मुझे नींद नहीं आ रही।
रजनी, रजनी, रजनी क्या हुआ तुम्हें? रजनी। राज, 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 वहाँ कोई भूचर्स आदमी है राज। कहाँ? कहाँ? दो टॉर्च मुझे दो। कहाँ? बताओ। हाँ? वहाँ कोई नहीं है रजनी। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। देखो। मैं सच बोल रही हूँ राज। मैंने उसे देखा है। रजनी। लगता है तुम्हारे पापा की सुनाई हुई कहानी का डर तुम्हारे दिल में बस गया है। तुम इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था ना, फिर तुम अकेली यहां क्यों चले आई? हाँ बोलो। चलो चलो अब मेरे साथ। रजनी रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम ऑन, काम ठीक हो गया ना? हाँ जी। खेती बाड़ी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए? नहीं जी, सबको पैसे बराबर बांट दिए ना? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सरकार। हा? चमेली। ओहो, क्या बात है, बहुत तड़पाया इसने। जब भी मिलती है झांसा देकर निकल जाती है। आज नहीं छोड़ूंगा इसे, इसकी तो मटकी आज फोड़नी ही पड़ेगी। बनवारी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत करो, तुम्हें शर्म नहीं आती गांव की बहू बेटियों को छेड़ते हुए ऐसे? अरे इसी को तो इज्जत कहते हैं, शर्म काहे की शर्म। अरे धन्नो, अगर मैं तुझे नहीं छेड़ूंगा तो कोई और छेड़ेगा, और मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस गांव की बहू बेटियों को कोई और छेड़े। कमीने कुत्ते। दे चलेगा, ये भी चलेगा, जितना जी चाहे गाली दे ले, लेकिन आज तो मैं तुझे छेड़ूंगा, खूब छेड़ूंगा। तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अरे कैसे नहीं पूरी होगी मेरी। अरे कहां तक भागेगी? आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम्हारे बाप दादा का गांव तो कमाल गया, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। अरे ये आनंद और किरण कहाँ चले गए? हमारे साथ साथ ही चल रहे थे ना। प्यार की बातों में होश कहाँ रहता है कि कौन कहाँ गया। हो सकता है उन्होंने हमें प्यार करने के लिए अकेला छोड़ दिया हो। Maybe। ये कहीं किरण की आवाज तो नहीं? शायद आनंद और किरण किसी मुसीबत में ना फंस गए। मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुकना। गाँव में रहकर गाँव की बहू बेटियों की इज्जत करना नहीं सीखा? अरे नहीं भाई। अबे उठ, उठ। अरे देख लूंगा तुझे। फिर कभी यहाँ दिखा ना तो तुझे भी गंजा कर दूंगा। बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। कौन थे ये साहबजादे? साहबजादे और ये तो एक नंबर के लोफर और बदमाश है। अच्छा, अगर आप जैसा कोई तो मैं उसके साथ। क्या मतलब? भाग जाती और क्या। अच्छा। कमाल है, तुम्हारे साथ बदतमीजी होने जा रही थी और तुम्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं? राज देखो कैसे मुस्कुरा रही है। देखिए मेरे साथ, अगर हमारे बीच साहब लोग जैसे। ए, ज्यादा बड़बड़ मत कर, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? रा, 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 रजनी हा? रजनी क्या है ना, इस गांव में हमारे जैसे खूबसूरत लोग कम ही दिखाई देते हैं, इसीलिए। अच्छा? चलो। रा, 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 रजनी रजनी देखो
मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया था? मैं आपका इंतजार करूंगी, फिर जरूर आना। मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे। इस हवेली में ऐसी कोई ना कोई खास बात जरूर है जो गांव वाले हमें बताना नहीं चाहते। हाँ आनंद, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या करें तुम ही बताओ। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या बता सकता हूँ। आनंद और राज, तुम लोग तो एकदम पहेली हो। सब्र करो सब्र करो, सब पता चल जाएगा। हाँ आपने बुलाया संकट जी? मैम साहब ने खाना खा लिया? हाँ खाली। और सुनो संकट जी, इससे पूछते हैं। पूछना संकट, तुम इस हवेली के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? मैं इतना ही बता सकता। बताओ। क्या से 200 साल पहले यहाँ कोई ठाकुर साहब रहा करते थे, और एक सामरी भी रहता था। वो कौन था? सामरी बहुत ही गंदा और दहशतगर्द आदमी था, उसने कई औरतों की इज्जत लूटी, तो ठाकुर साहब ने उसका दर सर से अलग करके उसे पुराने मंदिर में दफन करवा दिया। और पुराना मंदिर? पुराना मंदिर आनंद, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, मुझे ठाकुर साहब ने बताया था इस हवेली का पुराने मंदिर के साथ जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। राज, हम लोग हवेली तो पहुंच गए, अब तुम जल्दी से जल्दी उस रहस्य का पता लगाओ जिससे हमारी शादी जल्दी हो सके। आइडिया? आइडिया नहीं, हमलेट 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 वो, हाँ हमलेट। वो सुना है कि यहाँ देशी मुर्गी के अंडे अच्छे मिलते हैं, जिससे हमलेट अच्छी बनती है। अच्छा? तो मैं हमलेट खाऊंगा और तुम हवेली जाकर हमलेट बनाने की तैयारी करो। राज, हाँ? ना मुझे ऑमलेट खाना है ना मैं तुम्हें खाने दूंगी, तुम सीधा हवेली चलो। अरे रजनी, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुमने सुना नहीं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मैं अंडे लेकर आता हूँ, तुम हवेली जाओ प्लीज। अंडे अंडे। अभी बताती हूँ। हाय गाय। अरे गाय नहीं, हाय हाय हाय। वो शहर में जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो प्यार से हम लोग हाय कहते हैं। हाय हाय राम, मतलब बाबूजी मुझसे प्यार। हाय बाबूजी। अरे अरे बाप रे राज। रजनी रजनी, तो ये है तुम्हारी देसी मुर्गी जिसके तुम अंडे लेने आए थे। अरे रजनी, तुम
तुम समझने की कोशिश करो, ये वो नहीं है। तुम मेरी बातें सुनो। चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यहाँ तक गिर सकते हो। अरे रजनी, रजनी, रजनी मेरी बात तो सुन। बाबूजी, लगता है मेम साहब आपको बहुत प्यार करती है। हाँ, लेकिन क्या फायदा, मैं उससे शादी तो नहीं कर सकता ना। क्या, क्यों? क्यों क्या बसंती, तुम्हारे गाजीपुर की हवेली का एक छिपा हुआ राज हमारे प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा है। समझ में नहीं आता रजनी के इस अटूट प्यार को मैं मंजिल तक कैसे पहुंचाऊंगा। बाबूजी, आज पहली बार मुझे ऐसा इंसान मिला है जो मुझे गंदी नजर से नहीं देख रहा है। बाबूजी, दो पल में आपने मुझे इतना प्यार दे दिया जिसके लिए मैं जिंदगी भर तड़पती रही। बाबूजी, मैम साहब भी आपको बहुत प्यार करती है ना, आज पहली बार मुझे पता लगा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। बाबूजी, मैं मैम साहब का दिल दुखने नहीं दूंगी। आप जाइए, उनको संभालिए, मैं बाबा का पता लगा के आपको बताती हूँ। शुक्रिया बसंती, शुक्रिया। राज, ये मुलट का क्या सोच रहे हो, रजनी को मनाने के लिए जाना है या नहीं? जाओ, तुम जाकर उसे ले आओ। किरण, रजनी समझती नहीं है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे भले के लिए कर रहा हूँ। अरे बाबूजी। अरे बसंती, एक बेटा। बाबूजी, बाबूजी, पता लग गया। आहिस्ता बसंती, आहिस्ता। पता लग गया, गिर जाओगी। कुछ पता चला? क्या यही सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? रजनी, और तुम कितना गिरोगे राज? जाओ इस चुड़ैल के साथ, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, समझे तुम? मैम साहब रुक जाइए, मैम साहब रुक जाओ। रजनी, मेरा दो पल का प्यार आपको जिंदगी भर की खुशियाँ दे सकता है। हाँ मैम साहब, मैं ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकती हूँ। आइए मैम साहब। बसंती, क्या बाबा का पता चल गया? हाँ, बाबा का पता चल गया है, वो आपको सब कुछ बता देंगे, मगर आपको उन्हें विश्वास दिलाना होगा। चले चलो। नहीं, मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि तुम राजा प्रताप सिंह के खानदान के हो? मैं तुम शहरी लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाबा, बाबा आप इन्हें गलत समझ रहे हैं, ये सचमुच राजा प्रताप सिंह के खानदान से ही हैं। ये सिर्फ हवेली का रहस्य जानने के लिए यहाँ आए हैं बाबा। नहीं चमेली, मैं नहीं इस हवेली के बारे में कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। बाबा, क्या आप नहीं चाहते कि राजा प्रताप सिंह के खानदान का सिलसिला आगे बढ़े? इस हवेली के शिव मंदिर में एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है कि जिसके बताने पे तबाही आ जाएगी, कोहराम मच जाएगा, गांव में चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं ये रहस्य नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा, मैं मानती हूँ बाबा, आप जो भी बोल रहे हैं वो इस गांव की भलाई और मेरे दादा राजा प्रताप सिंह के खानदान की हिफाजत के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन बाबा, इस रहस्य नहीं तो मेरे जन्म के समय मेरी माँ को जिंदा नहीं रहने दिया और ना ही हमारे खानदान की किसी भी और औरत को। बाबा, इसी रहस्य की वजह से तो मैं कभी शादी नहीं कर सकती। बाबा, क्या कह रही हो तुम बेटी? ये सच है, इसी रहस्य की वजह से तो हमारे खानदान की माता बहनों की बलि चढ़ चुकी है और अब हम इस रहस्य से पर्दा उठा के ही रहेंगे। हाँ बाबा, इस रहस्य के खत्म होने के बाद ना तो इस गांव पर मौत का साया मंडराएगा और ना ही राजा प्रताप सिंह के खानदान की बहू बेटियों की अकाल मृत्यु होगी। बाबा प्लीज, बाबा, पापा प्लीज, हमारी सहेली रजनी की जिंदगी बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो सुनो, राजा प्रताप सिंह के जमाने में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी थी।
हवेली के तहखाने में सामरी का सर और शिव मंदिर के पीछे सामरी का धड़। बाबूजी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। धन्नो, मेरी अच्छी बहन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मैंने बाबूजी से वादा किया था कि आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगी। चले चलो चलो। आनंद, आनंद, तहखाने के रहस्य के बारे में तो हमें पता चल गया। ये लोग हवेली के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर तुम लोगों ने वही किया जिस बात का मुझे डर था। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम लोगों ने आखिर सामरी को संदूक में से आजाद कर दिया। अब इस गांव में वो कहर बनकर टूटेगा। इस बात के जिम्मेदार तुम हो गए थे, तुम। और अब वो सामरी इस गांव में, हर घर में मौत बिछा देगा, मौत। नहीं, जिसमें तेरी नहीं भी होगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, नहीं। क्या हुआ भैया? भैया, क्या हुआ आपको? मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि रजनी की जिंदगी खतरे में है। हा? नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमें फौरन गाजीपुर हवेली जाना होगा। चलो। हाँ चलो। Ha 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 ha!
बोला किरण, क्या हुआ तुमको किरण? लगता है तो सांब भी फिर से जिंदा हो गया। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं। किरण, आनंद, 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 क्या हुआ किरण को? देखो ना, किरण की हालत किसने की? सामरी नहीं से। किरण, हाँ? ये क्या हो गया तुम्हें किरण? सामरी। राज, किरण को क्या हो गया? नहीं छोड़ूंगा सामने। जा रहा है आनंद, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ आनंद। रजनी, रजनी अपने आप को संभालो। सामरी, आज मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। होगा शकुंतला पता नहीं। पापा, आप यहाँ कैसे हो तुम लोग? ठाकुर साहब, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। सामरी ने पूरे गांव में हत्याकांड फैला रखा है। मैं जानता था तुम लोग किसी न किसी परेशानी में फंस जाओगे। ठाकुर साहब, अब आप ये बताइए कि सामरी के विनाश का हल क्या है? सामरी के विनाश का? भोलेनाथ का त्रिशूल। भोलेनाथ का त्रिशूल? राज, सिर्फ वही त्रिशूल है जिसके सहारे तुम सामरी को खत्म कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। हाँ, पर वो त्रिशूल मंदिर में नहीं है, पहले तो मूर्ति के पास हुआ करता था। ढूंढो राज, सिर्फ वो त्रिशूल सामरी को खत्म कर सकता है। त्रिशूल? हाँ त्रिशूल, मैं जानता हूँ त्रिशूल कहाँ है। त्रिशूल हवेली में है, त्रिशूल हवेली में है, त्रिशूल हवेली में है। भैया, भैया, भैया अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा शकुंतला, भगवान की दया से सब ठीक होगा। जय भोलेनाथ। हवेली तो यही है, त्रिशूल भी यही कहीं होना चाहिए। हाँ, यही कहीं होना चाहिए त्रिशूल। त्रिशूल यही है, त्रिशूल। राज, जल्दी आओ राज, त्रिशूल यही है, जल्दी आओ। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे,
भोलेनाथ का त्रिशूल। यही वो भोलेनाथ का त्रिशूल है जो सामरी को खत्म कर सकता है। यही वो पवित्र त्रिशूल इस पूरी हवेली को पाप से मुक्त कर सकता है। यही त्रिशूल सामरी का अंत कर सकता है। यही त्रिशूल सामरी का अंत कर सकता है। सामरी अब तू बच नहीं सकता। सामरी मैं आ रहा हूं। सामरी सामरी रजनी उठो। रजनी तुम ठीक तो हो ना रजनी? हाँ रजनी उठो। वो देखो रजनी सामरी मर गया। उस पवित्र त्रिशूल से पाप का अंत हो गया रजनी। बोले बाबा आपका त्रिशूल मैं आपके पास रखता हूं। ठाकुर साहब इस विज्ञान के जमाने में मैं किसी भूत प्रेत शैतान पिशाच किसी को नहीं मानता। मगर आज जब अपनी आंखों से देखा तो विश्वास करना पड़ा। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए भगवान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। भगवान के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। बेटे राज तुमने बहुत अच्छा किया कि सामरी का खात्मा कर दिया। उसके खात्मे के बाद हमारे परिवार पे लगा श्राप वो हवेली की बद्दुआ सब खत्म हो गया। अब हम लोग सुख से जी सकते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो